कोरोना काल में डरा रही बहती लाशें, क्या है गंगा नदी में बहती लाशों का सच? आज गंगा जी के दोनों ओर करीब 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वो जो खेत में उपयोग किया गया केमिकल है, बारिश के समय जो पानी बह करके गंगा जी में न चला जाए और गंगा जी प्रदूषित न हो, इसलिए गंगा जी के दोनों तट के 5-5 किलोमीटर करीब करीब ये जैविक उत्पादक को विशेष बल दिया जा रहा है। ये जैविक उत्पाद नमामि गंगे के ब्रांड के साथ बाजार में उपलब्ध किए जा रहे हैं। गंगा में कहां से आई इतनी बड़ी संख्या में लाशें? न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। गाजीपुर में गंगा नदी में बहती लाशें दहशत बन चुकी है। लोग कोरोना काल में बहती लाशों को देखकर डरे हुए हैं। एबीपी गंगा के कैमरे में भी गंगा नदी में बहती लाशें कैद हुई। जिले के कमहर के पंचमुखी घाट पर ये तस्वीरें सामने आई, जहां कई लाशें गंगा नदी में देखी जा सकती है। गंगा किनारे शवों के मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। शवों के कोरोना संक्रमित होने की आशंका से ग्रामीण भयभीत है। जहाँ एबीपी गंगा के कैमरे में भी गंगा नदी में बहती हुई 3 लाशों को कैद किया गया, तो वही स्थानीय लोगों के मुताबिक अब तक जिले के अलग अलग घाटों पर दर्जनों शव बहते हुए देखे जा चुके हैं। कोरोना काल में गंगा में लाशों का मिलना किसी बड़े खतरे की घंटी भी हो सकती है, जिसको लेकर इलाके के लोग आशंकित हैं।